ये मैं हूँ, ये राव साहब है और हम सब प्रतिलिया है। जी तो आज दूसरा दिन है और सुबह के तकरीबन 7 बज गए हैं और अब हमने रत्ती गली के लिए निकलना है। और मैं अभी नहाया हूँ, गरम गरम पानी आ रहा था, मुझे था कि बहुत ठंडा पानी होगा, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ से रत्ती गली जा रहे हैं, तकरीबन यहाँ से बस का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का, उसके बाद जीप का 3.5 घंटे और उसके बाद हमने तकरीबन 1 घंटे की ट्रैकिंग करनी है और उसके बाद हम पहुँचेंगे अपनी मंजिल यानी रत्ती गली लेक। तो आइए देखते हैं कि आज क्या होता है। रात में तो ठंड थी, अब सुबह जैसी हुई है, जैसे जैसे सूरज निकल रहा है तो गर्मी बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं, सुना है वहाँ पे मौसम अच्छा होता है और वो साल में 2-3 दफ़े खुलती है बस, मतलब 2-3 माह के लिए। जीप का सफर काफी लंबा, खूबसूरत, खतरनाक और मुश्किल था। मुश्किल इस तरह से क्योंकि रास्ता पथरीला था, यानी जीप पत्थरों के ऊपर चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। सुनने में ये जितना आसान लग रहा है, असल में ये उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल था। रास्ते ही खूबसूरत मंजिल की तरफ हमें ले जाते हैं। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई थी और दरमियान में हमारी धोखेबाज जीप मौजूद थी जो रास्ते में 3 स्लिप हो रही है, हम सब उतर आए हैं और नीचे ये है, जोर लगा के यार इधर हम ही ना रगड़े जाए। यार हमारी किस्मत ख़राब है कि जीप दोबारा से ख़राब हो गई है, तो हम यहाँ रुके रहे हैं और रास्ता अभी तकरीबन 2 घंटे का है और हमारी किस्मत ख़राब है कि हमारी गाड़ी जो है वो बार बार पहले पीछे फंस गई थी और अभी पता नहीं कोई इशू आ गया था तो दोबारा रुक के मैंने देखा है। और एक बार फिर से हमारी जीप ने हिम्मत हार दी है और हम फिर रुक गए हैं, तो देखते हैं कितनी देर में सफर पूरा होता है। ये बेस कैंप है, यहाँ से हाइकिंग करते हुए हमने वो ऊपर जाना है और हमें यहाँ से तकरीबन 40 से 1 घंटा लगेगा। गर्मी भी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और जैसी हाइकिंग है इसके बाद हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू चाहते हैं। डेस्टिनेशन कमाल की होनी चाहिए क्योंकि वरना मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत खतरनाक रास्ते में एक ये लेक भी आती है, ये मिनी अताबाद है, मिनी इसकी शेप देखो यार, आंसू झील। यार हमने पता नहीं वो कहां से शुरू की थी हाइकिंग, हम यहां तक पहुंच गए हैं
और अभी हमने वो ऊपर तक जाना है करके अब हो गई है बस, बैठे हुए हैं और यहाँ से घोड़े भी जा रहे हैं ऊपर, 500 रुपया ले रहे हैं, लेकिन हमने अभी यही कहा कि अभी जितनी हिम्मत है हम खुद ट्रैकिंग करके जाएंगे, अब देखते हैं कितनी हिम्मत रहती है, पहुँच पाते हैं या नहीं, वरना फिर एंड पे घोड़ा है हम उस पर जा सकते हैं। 2000 years later. हम नीचे से हाइकिंग करते करते ऊपर आए हैं, आए देखते हैं कि अब आगे व्यू क्या है। वाओ, ये है यार, हम ऊपर पहुंच गए हैं और हम अपनी अपने दम पे आए हैं, हमने किसी किस पावर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने किसी हॉर्स पावर का इस्तेमाल नहीं किया, हम अपने दम किस पे आए हैं, अपने दम पर आए हैं, अपनी टांगों पे चल के आए हैं। बेशक दो दिन हमें पता लगेगा कि हम आए हैं, लेकिन आए हैं। व्यू देखने और आपका दिल ना गार्डन गार्डन हुआ फिर आप बात कीजिएगा। बिल्कुल, मतलब ऊपर आके पैसे पूरे हो जाते हैं, क्या जबरदस्त व्यू है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अभी ना गंद नहीं है, क्योंकि हम वहाँ अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे पहुँचते जाएंगे और गंद फैलाते जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है। और हल्की हल्की जो है ना बूंदाबांदी जो है वो स्टार्ट हो गई है, और बूंदाबांदी होनी नहीं चाहिए, बारिश होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वापसी पर जो हमने रास्ता है वो हमने देखा ही था कच्चा, और वो अगर गीली हो जाए मिट्टी तो काफ़ी और ख़तरनाक हो सकता है। ये इतना वजनी बैग, ये भी मैं बैग जो देख रहे हैं ये मैं उठा के लाया हूँ, और किसी ने कहा था कि ऊपर बहुत ठंड होगी तो हम जैकेट्स लेकर आए थे, लेकिन बिल्कुल भी ठंड नहीं है, ठंड है लेकिन जैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लोगों के दिल गार्डन गार्डन होते हैं आके। किसी ने गरम अंडे यहाँ पे खाए हैं और उसके छिलके यहाँ पर फेंक दिए हैं, तो कहीं पे जाएं तो काइंडली सफाई ज़रूर करें जी। तो अब हम वापस जा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही मज़ा है, आवाम काफ़ी ज़्यादा आ रही है, एंजॉय कर रही है। अगर आप लोग भी आते हैं तो ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है यार, जैसे जैसे शाम होती जा रही है अंधेरा हो रहा है, ठंड ज़्यादा हो रही है, अब जैकेट पहनने का मौसम हो गया है, और ये लोग अभी आ रहे हैं, अंधेरा हो गया तो नीचे जितना खतरनाक ट्रैक है ना आप जा भी नहीं सकते। ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने ट्रैक करके जाना किधर होता है। हमने वो उस जगह पे जाना है, और हम आए हैं वो उससे भी पीछे से। ये रास्ता शॉर्ट है, तो हमने शॉर्ट रास्ते से जाना बेहतर समझा है, यहाँ पे पत्थर है लेकिन रास्ता शॉर्ट है। सो यार, वापस आते हुए ठंड हो जाती है, मैंने जैकेट पहन ली है और अब हम नीचे आ गए हैं। नीचे आते वक्त इतना नहीं पता लगता, लेकिन आपने अपने पाँव की ग्रिप जो है वो बना के रखनी है, फिर आप नीचे आ सकते हैं। नीचे आते हुए भी पता तो बहुत लगता है, इंसान के घुटने रह जाते हैं, और जो स्टीपनेस है ना ट्रैक की, ट्राई जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, आए हैं तो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो हम आ गए। यार यहाँ पर आप इन मुर्गियों को देखें, चलती भी हैं, एक्टिव भी हैं, पानी भी पीती हैं। हमारे लाहौर में जो मिलती हैं उनके लिए तो खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। देख रहे हैं आप,
तो यहाँ पे अब हम पकोड़े खाने लगे हैं। हमारे साथी ऊपर से अभी तक नीचे नहीं आए, हम उनका वेट कर रहे हैं। तो हमने कहा कुछ तो किया जाए, देखते हैं वो कब आते हैं। यार वो बहुत लेट हो गए हैं, और जितना लेट वो करते जाएंगे अंधेरा होता जाएगा, और अंधेरा हो गया तो हमारे लिए नीचे जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग पहुँच गए, हम इंतज़ार कर रहे थे, तो हमने कहा यहाँ पर हम पकौड़े खाते हैं। तो अभी हम पकौड़े इंजॉय करने लगे हैं। सो मज़े गए, मैंने खाया ही नहीं अभी, खा के देखते हैं कैसे हैं। मजे के हैं, मरी वाले नहीं है जो मरी में आपको मिलते हैं, तो अब आके ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा एक बंदा है जिसकी टांगे जवाब दे गई हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वजूहत आप लोगों को पता होगी क्यों है। ये आप बताएं कमेंट में ऐसा क्यों होता है, आप बताएं ऐसा क्यों होता है, बताएं ऐसा क्या हुआ है, शक्ल पहचान ले आप। ये कह रही है इन्होंने मेरे ब्लॉग में आना था, इनकी हालत अच्छी नहीं है, हमने भी तो आना होता है, ये भी आना चाह रही है, और सबसे ज्यादा तो मेरा काम है बीच में सारा, किराया ही मैंने था। यार ये बंदा जिसने काफी इंटरटेन किया पूरे ब्लॉग में, और ये पूरे ब्लॉग में चाह रही थी कि मैं ब्लॉग में आ जाऊं, और ये घोड़े से ऊपर से नीचे आई, और इन्होंने घोड़े वाले को पैसे भी नहीं दिए, और ये ट्रिप में सबसे छोटी यार आ गया आपका घुटना, और ये बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है।